स्ट्रेच कर लिया, सांस लिया, पहले हाथ को उठाया और सांस छोड़ते हुए जैसे ही हाथ को नीचे किया वैसे पैर को ऊपर किया ऐसे, ठीक है। फिर से देखिए, सांस लिया, 1 2 3। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी इजी लेकिन बहुत इफेक्टिव बॉडी वेट प्रैक्टिसेस, जिनकी मदद से जो महिलाएं हैवी ब्रेस्ट या ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा लूज हो जाना, शेप में साइज में ना होना, इन समस्याओं से जूझ रही है उनको इन समस्याओं से निजात मिलेगी। देखिए, जब ब्रेस्ट का साइज़ माताओं बहनों में, कुछ माताओं बहनों में बड़ा होता है तो उसकी वजह से उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनका दौड़ना, भागना, कूदना, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, जिससे कि बॉडी वेट गेन होने लगता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती तो वो वेट गेन करने लगती है। साथ ही बैक में पेन हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है और कई बार ये समस्याएं वो किसी को कह भी नहीं पाती है। अगर हम महिलाएं अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं, अपने ब्रेस्ट की टाइम टू टाइम जांच करें कि कहीं उसमें किसी तरीके की गांठ तो नहीं है, लंप्स तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसको इनिशियल स्टेज में ही पहचान कर कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हम लड़ भी सकते हैं और उसको हरा भी सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना। कि अभ्यास से, आज की सारी प्रैक्टिसेस से हम क्या टारगेट करेंगे, पूरे के पूरे चेस्ट रीजन को। हमारा चेस्ट जो है, हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो फैटी टिश्यूज से बनी होती है। अब इस फैट को कम करने के लिए कुछ ऐसी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जिससे कि इस फैट को कम किया जा सके, वो भी बहुत नेचुरली। बेनिफिट यहाँ तक सीमित नहीं रह जाते बल्कि आपकी जो बैक मसल्स हैं वो भी टोन्ड होंगी, वहाँ का भी फैट जाएगा और साथ ही आपकी पूरी की पूरी बॉडी में आप ऊर्जा महसूस करेंगे। आपके हार्ट, आपके लंग्स के लिए तो वरदान है ही है, साथ ही आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड भी को भी और अधिक अच्छी तरीके से लचीला बनाएंगे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत नेचुरल हैं जो कि आप थ्रू आउट द लाइफ आपको इसको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगी ना, अच्छी तरीके से समझ जाएगा। और एक बात और, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको अभी दबा लीजिए और साथ ही घंटी का निशान अगर आप दबा लेंगे तो मेरी फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाएगा। तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो चलिए सबसे पहले ज़रा वार्म अप कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं ऐसे, थंब इन और बाकी सारी उंगलियाँ उसके ऊपर, और इन दोनों हाथों की जब मुट्ठी बना लें तो इसको इस तरीके से अपने चेस्ट के सामने रखें और सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए दोनों मुट्ठियाँ साथ में जुड़ जाएगी। सांस लेते हुए मुट्ठियाँ दूर चली गई जिससे चेस्ट रीजन जो है एक्सपैंड हुआ, और सांस छोड़ते हुए ऐसे। तो ये जेंटल प्रैक्टिसेस करने से हमारे चेस्ट के अराउंड की जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगी। इस अभ्यास को कम से कम 15 से 20 बार कर लें और दिन में कभी भी करें, ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी चेस्ट के अराउंड की जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगी। तो इस तरीके से ये हमने कर लिया पहला अभ्यास। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। मुट्ठियाँ उसी तरीके से बना के रखिए, दोनों हाथों को कुहनियों से मोड़ लीजिए, एल्बो से मोड़ लीजिए और इसको अपने चेहरे के सामने ऐसे रखिए, बहुत हाथ नीचे करके नहीं, झुके हुए नहीं, ऐसे सीधे करके। और सांस लेते हुए चाहे तो इस अभ्यास को आप खड़े होके करें और चाहे तो इस अभ्यास को बैठे बैठे, सांस लेते हुए दोनों एल्बो को एक दूसरे से दूर करें ऐसे, और चेस्ट को जितनी अच्छी तरीके से वाइडली ओपन कर सकते हैं वाइडली ओपन करें। सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ा ऐसे। इसका भी अभ्यास कम से कम आप 15 से 20 बार इसका अभ्यास कर लें और 3 सेट करें, 15 से 20 के 3 सेट करें, 4 सेट करें और फिर रेस्ट करें। अब हम जो तीसरा अभ्यास कर रहे हैं उसमें आप क्या करें, दोनों हाथों को ऐसे, सांस लें, ऐसे उठाया, ये सर के ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर दूसरे हाथ को भी है, सांस लिया, सांस छोड़ा, 1 2 1 2, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं हाथ जो है थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो चेस्ट की मसल्स हैं ये लिफ्ट हो रही है ऐसे, इस ऊपर की तरफ है ना ऐसे। तो ये सारी मदद करेंगी आपकी, जैसे जो झूलती और लटकती हुई ब्रेस्ट है उसकी मसल्स को टोन करने में और
खूबसूरत एक स्ट्रक्चर देने में इस तरीके से सामने देखते हुए। इसका भी अभ्यास 15 से 20 बार या 10 बार कर लें और तीन तीन सेट चार चार सेट कर लें इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन या हाफ कैमल पोज का। इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चेस्ट रीजन और साथ ही बैक मसल्स पर बहुत अच्छा खिंचाव आता है। तो दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करें कंधे के लेवल तक और आराम से ऐसे घुटने के बल खड़े हो जाएं और दोनों पैर की एड़ियों को भी एक दूसरे से दूर कर लें। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखा ऐसे और फिर धीरे से आप शोल्डर को देखिए, मेरी शोल्डर्स ऐसे पीछे मैंने रोल बैक कर दी जिससे पूरी जो चेस्ट मसल्स हैं कितनी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई और ऐसे हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए अपने गर्दन को ढीला छोड़ देंगे और चेस्ट को फुल्ली एक्सपेंड होने देंगे। सांस लिया और सांसों को रोका और सांस छोड़ते हुए फिर से अपनी एड़ी पर बैठ गए। ऐसा अभ्यास हम 5 से 7 बार जरूर करेंगे। सांस लिया, खड़े हो गए, रोका सांसों को 1 2 3 4 5 और सांस छोड़ते हुए फिर से अपनी एड़ी के ऊपर बैठ गए, है ना। एक बार और देखिए, सांस लिया, खड़े हो गए, शोल्डर्स को रोल बैक किया, ये जरूरी है शोल्डर्स को रोल बैक करें ताकि चेस्ट थोड़ी लिफ्टेड हो जाए ऐसे और फिर उसके बाद धीरे से गर्दन को ढीला छोड़ दे ऐसे और फिर आराम से अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। यह अभ्यास अगर आप रेगुलर करते रहे ना तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड भी फ्लेक्सिबल होगी और पूरी बॉडी का जो पोस्चर है ना वो भी सही रहेगा। बहुत से लोगों का पोस्चर ऐसे झुका हुआ होता है, कूबड़ निकली हुई होती है, तो वो भी और साथ ही जो पूरे दिन हैवी ब्रेस्ट के कारण थकान हो जाती है ना बैक में, उससे भी आपको इतनी राहत मिलेगी ना कि आप अभ्यास करने के बाद ही मुझे बताएंगे। अब चलिए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे जेंटल जेंटल प्रैक्टिसेस से आपके क्या हुआ कि सारे के सारे चेस्ट और शोल्डर की जो मसल्स हैं, आसपास की मांसपेशियां हैं, वो हो गई हैं एक्टिवेट। अब हम करेंगे कुछ बॉडी वेट प्रैक्टिसेस। इन बॉडी वेट प्रैक्टिसेस को करने से चेस्ट, शोल्डर, बाजू, बैक सब बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन होंगे और वहाँ की जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट है वो दूर भगाने में मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठे हुए आप आ जाएं टेबल टॉप पोजीशन पे, फिर उसके बाद दोनों घुटने मुड़े हुए हैं। अब घुटने को क्या करें, घुटनों को जोड़ के रखें, आपकी पैर की एड़ियों को जोड़ के रखें और आपका जो अंगूठा है उसको भी जोड़ के रखें। अब क्या करेंगे, ऐसे बॉडी वेट को थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली आगे की तरफ पुश करेंगे। आगे की तरफ पुश किया, ऐसे सिर्फ पीछे ना रहने दीजिएगा, ऐसे आगे की तरफ पुश कीजिए। तो इसमें क्या है कि आपकी कलाई पीछे हो गई और शोल्डर थोड़ा सा स्लाइटली आगे की तरफ ऐसे, यहाँ पर ये देखिए ऐसे, और फिर धीरे से चेस्ट को ड्रॉप किया ऐसे मैट पर, चेस्ट को ड्रॉप करके माथे को ड्रॉप कर दिया, अष्टांग नमस्कार। इस आसन में आपके शरीर के 8 अंग मैट को टच कर रहे हैं। कैसे, आपके दोनों अंगूठे, दोनों घुटने 4 हो गए, दोनों हाथ की हथेलियाँ 6 हो गए, छाती 7 और माथा 8, अष्टांग नमस्कार। फिर यहीं से अपनी बॉडी को स्लाइड करें, अपनी नाभि को मैट पर रखें और धीरे से चेस्ट को ऐसे उठा लें और अंगूठा बाहर की तरफ ऐसे और हिप को टाइट करें। फिर उसके बाद वापस से आप आगे टेबल टॉप पोजीशन पे। तो इसको फिर से आप अच्छी तरीके से देखें कैसे मैं अभ्यास कर रही हूँ। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, टेबल टॉप पोजीशन, ठीक है। तो जो लोग पुशअप नहीं कर पाते, पुशअप कर पाना सबके बस की बात नहीं है, वो इस तरीके से मॉडिफाइड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर टेबल टॉप पोजीशन। चलें फिर से, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, टेबल टॉप पोजीशन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन और टेबल टॉप पोजीशन। 3 बार इसका अभ्यास और देखिए, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया और फिर सांस छोड़ दिया। सांसों को सिंक्रोनाइज करके अभ्यास करेंगे तो इसके लाभ और भी अधिक बढ़ जाएंगे। तो सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ दीजिए। फिर यहीं से सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में।
इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। तो आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप आसानी से इन क्लासेस को जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब इन क्लासेस को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मन में झिझक मत रखिएगा कि हम तो बिगनर हैं, हमने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, तो कैसे हम जूम के माध्यम से इस क्लास से जुड़ जाएँ और अभ्यास करें। तो फिक्र की कोई बात नहीं, हर एक पॉस्चर्स को स्टेप बाय स्टेप योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, अलग अलग तरीके की यौगिक क्रियाएं, अलग अलग तरीके की रिलैक्सेशन की टेक्निक आपको सिखाई जाती है, और बिगनर्स को ध्यान में रख के। अब इन क्लासेस को जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उनको बहुत सी हेल्थ कंडीशन होती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज होती है, चाहे वो थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, फर्टिलिटी से रिलेटेड समस्याएं, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, यूटीआई का इन्फेक्शन, और ऐसी बहुत सी ऐसी हेल्थ कंडीशन में जब आप योग का अभ्यास करते हैं ना, अपनी मेडिकेशन तो चल रही है आपकी, डॉक्टर्स के आप सलाह में तो हैं ही, उन मेडिकेशंस को कर ही रहे हैं, साथ ही जब योग का अभ्यास करते हैं तो आपको उन हेल्थ कंडीशन से उभरने में और भी ज़्यादा मदद मिलती है, और आप उन हेल्थ कंडीशन से आसानी से अपने लाइफस्टाइल को सही करके उभर सकते हैं। अब अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 से 8 ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं जो कि सुपर इजी, सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जो कि आपको मदद करेंगे हर दिन योगा अभ्यास करने में। इन सारी चीज़ों की जो डिटेल है मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट जो www.yogawithshahida.com पे है, यहाँ पर सारी शेयर की है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर वेबसाइट पर विज़िट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा जो ये व्हाट्सएप नंबर है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक हाई लिख दीजिएगा, आपको क्लास के बारे में सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए, चूँकि मैं ऑनलाइन योगा क्लासेस करवाती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ लेडीज़ का ब्रेस्ट बहुत हैवी होने के कारण या कि बाजुओं में इतनी मजबूती नहीं रहती है ना, तो ये अभ्यास भी वो नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए चूँकि मेरा काम है आपके सभी आसनों को बहुत आसान करवाना ताकि हर एक इंसान योग का अभ्यास कर सके, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप क्या करें, टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद पहले आप अपनी एड़ी पर ऐसे बैठ जाएं, ठीक है। एड़ी पर बैठने के बाद, ऐसे बैठने के बाद फिर धीरे से अपनी बॉडी को आगे स्लाइड करके फिर चेस्ट को ड्रॉप करें ऐसे, और फिर सांस लें भुजंगासन, और फिर टेबल टॉप पोजीशन पे बैठने के बाद अपनी एड़ी पर बैठ जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉडी वेट एकदम से आपके हाथ पे नहीं आएगा, और जैसे जैसे फिर स्ट्रेंथ डेवलप हो पाए तो फिर आप इसका अभ्यास करें ऐसे 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 इस तरीके से। तो आसानी से जब आप ये वेरिएशन ऐड कर देंगे, मॉडिफिकेशन ऐड कर देंगे, तो आप आसानी से ये अभ्यास कर सकते हैं। तो मात्र कुछ राउंड किया मैंने, मैं स्ट्रेंथ महसूस कर रही हूँ और थकान भी महसूस कर रही हूँ। तो रेस्ट कर लेते हैं। अब देखा, पहला अभ्यास करके आपको मजा तो आ गया ना, अब दूसरा जब आप अभ्यास करेंगे ना तो आपको और भी मजा आएगा। दूसरा अभ्यास हम कर रहे हैं भुजंग आसन पुशअप। इस पुशअप के बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा आज, लेकिन आपको करके बताती हूँ, बेनिफिट जान लें। इसका अभ्यास करने से ना स्पाइनल कॉर्ड आपकी ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेगी, बुढ़ापा आपके पास नहीं आएगा, आपका हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन बड़ा ही अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात चेस्ट के अराउंड की जो फैट है वो कम होगी, जो कि आज हमारा फोकस है। तो आराम से क्या करेंगे, ऐसे आप अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे पेट के बल। अब पेट के बल लेटने के बाद बहुत से लोग गलती करते हैं हाथ के रखने की पोजिशन पर, वो मत कीजिएगा। तो अपने दोनों हाथों को जो आपकी चेस्ट है ना, चेस्ट के एकदम साइड में रखिए, ना तो ऐसे आगे रखिएगा ना बहुत पीछे रखिएगा, जहाँ पर आपकी ब्रेस्ट है ना एग्जैक्टली वहीं पर आप पास में रखिए, बहुत दूर मत रखिएगा, पास में ऐसे, ठीक है। और अब अपनी एड़ी को जोड़ दिया, अब अपने अंगूठे को ऐसे बाहर की तरफ कर दिया, ठीक है। अब अपने माथे को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें। अब सांस लेते हुए क्या करेंगे, ऐसे सांस लेते हुए धीरे धीरे सर उठाया, छाती उठाई और यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, एड़ी जोड़ के रखेंगे और ऐसे उठा देंगे, उफ, ऐसा करते ही आपको पूरी स्पाइन पर बड़ा ही दर्द महसूस होगा, इसको ना करें, वो गलत है। कभी भी भुजंग आसन करें तो नाभि जो है वो मैट पर लगी हो। चले पुशअप करते हैं, सांस लें
और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें, सिर्फ इतना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। एड़ियों को जोड़ के रखिए, जब आप अपनी चेस्ट को उठाएं तो फिर वो जो मजबूती है, जो ताकत लग रही है उसको महसूस करें बाजुओं पर और चेस्ट को उठाएं। सांस लें, वन एंड ड्रॉप, सांस लें, वन एंड ड्रॉप, सांस लें एंड ड्रॉप कर दें, ऐसे सिर्फ इतना। तो इसका अभ्यास आपको 3 सेट करना है और 3 सेट में कम से कम 10 से 15 बार इसको रिपीट करना है, ऐसे सिर्फ इतना, और फिर ऐसे ड्रॉप कर दें। और फिर ये करने के बाद फिर से हम करेंगे अब रेस्ट। अब हम तीसरा बॉडी वेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आराम से पेट के बल लेटकर अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो इसको आप आम बोलचाल की भाषा में सुपरमैन स्ट्रेच के नाम से भी जानेंगे। आराम से आप ऐसे पेट के बल लेट गए। पेट के बल लेटने के बाद अब भुजंगासन में पैर जोड़ के रखे थे, इसमें हम पैरों के बीच में फासला कर देंगे। राइट जो मैट का एंड है उधर राइट पैर और लेफ्ट पैर ऐसे, तो मैट पर ही रखा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सांस लेते हुए, तो पेट के बल लेट गए हैं, दोनों पैरों के बीच में हमने कर लिया है फासला, तो दोनों पैरों को एक दूसरे के से दूर कर लें। अब दोनों हाथों को भी ऐसे दूर कर लें, तो आपकी मैट का जो चौड़ाई है ना उतना ही हाथ और पैर का डिस्टेंस रखें। और अब सांस लेते हुए धीरे धीरे, पहले सांस लें, हाथ को उठाएं और फिर दोनों हाथों को ऐसे ड्रॉप कर दें। 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप एंड 5 ड्रॉप। ये तो हो गया ये अभ्यास। अब हम क्या करेंगे, इस अभ्यास को मैं थोड़ा सा आसान करके बता रही हूँ ताकि बहुत से लोग आसानी से इसको कर नहीं पाते हैं, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता। अब जैसे आपने पहले हाथ उठाया था, अब हाथ के साथ पैर को भी उठाएं। तो कैसे, सांस लें, हाथ उठाया और पैर उठाया ऐसे, और सांस छोड़ दें, है ना। सांस लें, उठाएं जितना हो सके हाथ को उठाएं और पीछे पैर को भी, और ऐसे ड्रॉप कर दें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें और सांस को छोड़ दें। तो ये अभ्यास हो गया। अब इसमें क्या है, आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ तो डेवलप होगी ही, साथ ही पेट पर देखने कितना अच्छा मसाज मिल रहा है, तो जिससे सारे आंतरिक अंगों की अच्छी सेहत हो जाएगी और पूरी की पूरी आपकी लोअर बैक की जो मांसपेशियां हैं उसमें भी मजबूती आएगी। अब ये तो आपने सीख लिया, अब देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा आप इसमें स्विंग करेंगे, झूला झूलेंगे, ठीक है। तो आपने दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच कर लिया, सांस लिया, पहले हाथ को उठाया और सांस छोड़ते हुए जैसे ही हाथ को नीचे किया वैसे पैर को ऊपर किया ऐसे, ठीक है। फिर से देखिए, सांस लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस तरीके का अभ्यास कर लें और फिर उसके बाद रेस्ट करें। ये जो हमने सारी बॉडी वेट प्रैक्टिसेस की हैं, इन सभी को आपको 3-3 सेट करना है, और 3-3 सेट के में अगर आपकी स्ट्रेंथ 10 रिपीटेशन, 20 रिपीटेशन, 30 रिपीटेशन करने की है तो उतनी उतनी बार दोहरा लें और 3-3 से 4-4 के सेट बना के अभ्यास करें। कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। इस चैनल से कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा क्योंकि इस चैनल में ऐसी बहुत सी प्रैक्टिसेस आपको इन फ्यूचर देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये बॉडी वेट प्रैक्टिसेस अच्छी तरीके से सिखा दी और समझा दी, जिसका अभ्यास महिलाएँ भी करें, पुरुष भी करें और इससे स्वास्थ्य लाभ पाएँ। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए कि अगली या फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके सजेशन आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो जाने से पहले आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नीचे जो घंटी का निशान है उसको दबा दिया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और इस वीडियो में आपको अगर कोई भी बात पसंद आई हो ना तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छाई जो है बांटने से और बढ़ती है।
अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। हर दिन योग का अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ। नमस्ते।